कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा बुलबुल को उदास ना होने को कहती है और उसे सरला को सब सच बताने को कहती है। कुछ वक्त बाद प्रज्ञा वापस अपने घर जाती है और वहाँ जाके अभी का हाथ पकड़ के उसे बुलबुल को माफ करने के लिए कहती है, लेकिन अभी नहीं मानता। तो प्रज्ञा अभी को सरला के सामने झूठ बोलने के लिए कहती है कि उसने बुलबुल को माफ कर दिया है, लेकिन अभी इस बात के लिए भी नहीं मानता। कुछ देर बाद अभी का एक प्रोड्यूसर अपनी पत्नी के साथ उसके घर आता है और उसकी पत्नी प्रज्ञा से मिलने के लिए इंसिस्ट करती है। तभी प्रज्ञा अपना पेट पकड़ती हुई नीचे आ जाती है। प्रोड्यूसर की पत्नी को गलत फहमी हो जाती है कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है और वो जोर से सबके सामने उन्हें कंग्रेचुलेट करने लगती है, लेकिन तब दादी उनकी गलत फहमी दूर करती है। वहीं प्रोड्यूसर अभी को उसकी अगली एल्बम शूट के लिए प्रज्ञा को साथ लाने को कहता है और दादी भी इस बात पर जोर डालती है। वो प्रज्ञा और अभी को शूट के बाद उनके हनीमून पर भेजने का प्लान बनाती है। ये सब देखकर तनु बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है।